ओह माय गॉड, ओह। दोस्तों, हमारी पिछली कुछ वीडियोस में आपने गायों से लेकर भेड़ों तक की फार्मिंग, हार्वेस्टिंग और इवन ट्रांसपोर्टेशन तक की एक से बढ़कर एक सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को देखा है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लेकर आए हैं खास आपके लिए मछली पालन और हार्वेस्टिंग की ये कुछ बेहद ही अमेजिंग और रोमांचक तकनीकें, जिनके तहत आप इन मछलियों को फार्म्स में पलता तो देखेंगे ही, साथ ही आपको इन अजीबोगरीब जलीय जीवों की फैक्ट्री प्रोसेसिंग के दीदार होंगे। तो देरी किस बात की है, आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दिखाते हैं आपको कुछ भयानक मगर मजेदार कंटेंट। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले पेश है कैटफिश की फार्मिंग। दोस्तों, कैटफिश का मतलब वो बिल्लाना मछली नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहद ही खतरनाक और आक्रामक किस्म की लड़ाकू मछली होती है। तभी तो इसे हिंदुस्तान समेत 20 से अधिक देशों में बैन कर दिया गया है। दरअसल ये एक हाइब्रिड किस्म की मांगुर मछली होती है, जो एक बार तालाब में डाल देने पर कुछ ही हफ्तों में पूरे के पूरे तालाब को चट कर अपनी आबादी बढ़ा लेती है। इस मछली के इतने खतरनाक होने के बावजूद भी इस मछली की बड़े स्तर पर फार्मिंग की जाती है, बल्कि इनके लिए ये डेडिकेटेड कमर्शियली फार्म भी बनवाए गए हैं, जहां इन्हें बड़े स्तर पर पाला जाता है एवं इनके वयस्क हो जाने पर इनका मीट प्रोसेस कर बेचा भी जाता है। मगर वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है इन फीमेल कैटफिशेस से, जब इनके अंडों को निकालकर कंटेनर्स में जमा किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। दरअसल मछलियों से निकलता यही तरल हजारों अंडों का घोल है। दोस्तों, यहाँ आपको आगे बढ़ने से पहले आपको एक चौंका देने वाला फैक्ट बता दें कि तलापिया प्रजाति की मछलियों में नर मछली यानी मेल फिशेस अपने मुंह में अंडे जमा करके रखता है, और सही जगह मिलने पर ही उन सभी टैडपोल से बन चुके अंडों को रिलीज कर देता है। बहरहाल वापस आते हैं मांगुर मछली के अंडों पर। तो इन्हें आगे लेबोरेटरीज में ले जाकर नर मछलियों के स्पर्म से क्रॉस पॉलिनेट किया जाता है, जिसके तहत अगले 3 दिनों तक हैचिंग प्रोसेस से अंडरगो करने पर ये अंडे कृत्रिम गर्भाधारण कर पाते हैं। और ये सब तब होता है जब ये इन कंटेनर्स में भरे होते हैं। खैर, अब हमारी ये छोटी छोटी मांगुर मछलियाँ इन अंडों से बाहर आ चुकी हैं, और इन्हें अगले 2 हफ्तों तक भी इसी नर्सरी की 4 दीवारियों के भीतर पलने बढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। मगर 14 के बाद 15वां दिन लगते ही ये वर्कर्स इन सभी मासूम और छुटकी सी दिखने वाली मछलियों को इन पॉलिथीन बैग्स में भरकर पानी और ऑक्सीजन गैस के साथ रवाना कर देते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये मछलियाँ तालाबों तक ट्रांसपोर्ट होने तक सजीव रहें। जी हाँ, और फिर अपनी मंजिल यानी इन तालाबों तक तो पहुँचने पर सीधे ही इन्हें पानी से भरपूर गर्त में डाल दिया जाता है, जहाँ अगले कुछ और हफ्तों तकरीबन 65 दिनों तक के वक्त बिताने के बाद ये मछलियाँ वयस्क होती हैं और इन्हें मीट प्रोसेसिंग के लिए रेडी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहले इन मछलियों के लिए फीड यानी चारे के इंतजाम की तैयारी की जाती है। अब भाई, जब इन मछलियों का मांस हजारों में बिकेगा तो इनके खिलाई पिलाई में भी तो खास एफर्ट लगाने होंगे ना। तभी तो इन प्रोसेसर्स में वीट ब्रैन, सोयाबीन मील, राइस पॉलिश और चिकन लीवर सहित ना जाने कितने ही पौष्टिक और जानदार इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इस दानेदार चारे को तैयार किया जाता है। जब ये चारा बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें बड़े ही प्यार और दुलार से इन मछलियों को मुहैया करा दिया जाता है,
और एट द एंड कुछ ऐसे ही इन मछलियों की खातिरदारी कर इन्हें अच्छा खासा वेट गेन करा कर अब हलाल करने यानी मीट एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार किया जाता है, जिसके तहत इन जालों की सहायता से तालाबों से मछलियों को पकड़कर इन प्रोसेसिंग यूनिट तक लाया जाता है, जहां मैन्युअली और मशीनों द्वारा दोनों ही तरह से फिश मीट को एक्सट्रैक्ट और बोटियों में चॉप कर लिया जाता है। जी हां, जो आप देख ही सकते हैं। जिसके बाद इन्हें रिटेल पैकेजिंग के लिए इन ब्रैप्स में पैक कर अपने चाहने वालों तक इनको पहुंचा दिया जाता है। वेल गाइस, ये तो हुई बात इन मांगुर मछलियों की, बट आइए अब बढ़ते हैं आगे और नंबर टू पर आपको कुछ और भी मजेदार प्रॉन्स की हंटिंग और प्रोसेसिंग होते दिखाते हैं। वेल, पिछले कुछ दशकों में बेहद ही तेजी से पॉपुलर हुआ सी फूड प्रॉन्स आज की डेट में सी फूड लवर्स की पहली पसंद बन चुका है। दरअसल ये सी में पाया जाने वाला एक झींगा होता है, जो स्वाद में काफी क्रीमी और नमकीन होता है। वेल, इसे ऑथेंटिकली सीज और ओशंस में जाकर पकड़ा जाता है और फिर इसे फर्दर प्रोसेसिंग कर आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंचा दिया जाता है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। वेल, सागर की इन उफनती लहरों के बीच हिचकोले खाते इस शीप से न केवल प्रॉन्स बल्कि कुछ और सी क्रीचर्स जैसे फिशेस, लोबस्टर्स और ऑयस्टर्स को पकड़ने के लिए ये प्रेज यानी शिकारों से भरा विशालकाय जाल समुद्र में फेंका जाता है और अगले कुछ मिनटों तक इस जाल को यूं ही समंदर के भीतर पड़े रहने दिया जाता है, जिसके चलते ढेर सारे जलीय जीव इसमें फंस कर रह जाते हैं और भारी मात्रा में जाल के भीतर जमा हो जाने पर क्रूज पर भार पड़ने लगता है और भार महसूस होने पर इन जालों को ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। जी हाँ, और जब खींचते हुए ये जाल क्रूज के डेक पर आ जाता है तो इसे पीछे की ओर खींचा जाता है। बस अब क्या, फौरन ही सी फूड की इस खेप को इस रेफ्रिजरेटर टैंक में उल्टा दिया जाता है और पुनः इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए जाल को गहरे सागर में डाल दिया जाता है। बस ऐसे ही दिन भर में दर्जनों बार इस प्रोसेस को रिपीट कर करके इन टनोटन सी क्रिएचर्स को जमा कर लिया जाता है, जिसके बाद फर्दर इस सी फूड की प्रोसेसिंग के लिए इन्हें इस मीट फैक्ट्री में चल रही इस कन्वेयर बेल्ट पर डंप किया जाता है, जहां से हिंज हुए ये प्रॉन्स धुलाई के लिए इन पानी की धारों और वाटर डिप से होकर गुजरते हैं, जिसके साथ ही इन लाइंस पर खड़े ये वर्कर्स प्रॉन्स के साथ आए इन छोटी छोटी मछलियों को भी अलग कर देते हैं और फुल एंड फाइनल -3 डिग्री सेंटीग्रेड के रेफ्रिजरेशन के बाद इन प्रॉन्स की पैकेजिंग और लेवलिंग के बाद मार्केटिंग के और इनको रवाना कर दिया जाता है, जहां से आप यानी कंज्यूमर्स इन्हें खरीद कर इनका सेवन करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस केवल यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, बाय।